जासूसी कांड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा 10 दिन की मेहमान है सरकार, नई सरकार फैसले को पलटेगी। कांग्रेस ने कही थी जांच की बात। मिशन यूपी पर नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस हर सवाल का जवाब है। सेक्युलरिज्म यूपी की के बाप बेटे की सरकार नहीं बचा पाएगी, मां बेटे की सरकार। अमेठी में अरविंद केजरीवाल ने दिया विवादित बयान, कहा कांग्रेस और बीजेपी को वोट देना देश से गद्दारी होगी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किया वारंट विवादित बयान देने पर, बोकारो कोर्ट ने जारी किया था वारंट। मायावती का सपा पर पलटवार, कहा दलित विरोधी है सपा तो मायावती पर जारी है सपा के बेतुके बोल, कांग्रेस ने की कानूनी कार्रवाई की मांग। और सुदर्शन न्यूज को सबसे आक्रामक पत्रकारिता का राष्ट्रीय पुरस्कार, मुंबई में एनबीए के कार्यक्रम में प्रधान संपादक सुरेश चव्हाण के को अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिंदास बोल बना बेस्ट टीवी शो। आज के एपिसोड में हम जायजा लेंगे गाजियाबाद शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक का। यहाँ पानी, बिजली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैसी सुविधाएं हैं? एजुकेशन और सुरक्षा के लिहाज से कितना बेहतर है ये इलाका? इन सभी सवालों का जवाब देंगे सिर्फ हम आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी बाजार, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके फायदे और आपके ही नुकसान की बात। जी हां, अगर आपको चाहिए सपनों का वो घर लेकिन आपके बजट से बाहर है घर खरीदना, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि आपके पास गाजियाबाद में वैशाली, इंद्रपुरम, वसुंधरा और क्रॉसिंग रिपब्लिक एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज हम आपको ले जाएंगे क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया में। कैसा है क्रॉसिंग रिपब्लिक, किस तरह की सुविधाएं हैं यहां, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज के एपिसोड में हम जायजा लेंगे गाजियाबाद शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक का। यहां पानी, बिजली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैसी सुविधाएं हैं? एजुकेशन और सुरक्षा के लिहाज से कितना बेहतर है ये इलाका? इन सभी सवालों का जवाब देंगे सिर्फ हम आपको। ये खूबसूरत रास्ता हमें ले जा रहा है गाजियाबाद शहर के NH24 से सटे क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की ओर। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि पर्यावरण के लिहाज से इस इलाके की आबोहवा बहुत अच्छी है और सफाई के लिहाज से भी ये इलाका बेहद साफ सुथरा और हरियाली भरा है। सड़कें साफ सुथरी और चौड़ी हैं। हर एक अपार्टमेंट में बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स हैं, स्विमिंग पूल है, कम्युनिटी हॉल्स हैं, पानी और बिजली की उचित व्यवस्था है। सबसे खास बात यह है कि क्रॉसिंग रिपब्लिक में पंचशील अपार्टमेंट के ठीक सामने 40 एकड़ की जमीन पर गोल्फ कोर्स मैदान है। जब ये टावर सेकंड बनी थी तभी से आया हूँ। फंक्शन की लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट है, सामने गोल्फ कोर्स पड़ रहा है, इधर एक ओपन पार्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ जो है हर चीज आपको ओपन मिल रही है। स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये हमारी समस्याएं हैं जो कि रोड कनेक्टिविटी विद आउटसाइड प्लस हॉस्पिटल स्कूल जीरा दी प्रॉब्लम विद फॉर विच वी आर टेकिंग अप द मैटर विद द स्टेट अथॉरिटीज एंड कंसर्न। इस इलाके की आबादी की बात की जाए तो आबादी के लिहाज से अब तक इस इलाके में काफी बसावट हो चुकी है। तकरीबन 9,000 से 10,000 परिवार यहां बस चुके हैं, यानी कि 50,000 से 60,000 की आबादी यहां आ चुकी है और आने वाले समय में करीब 1,00,000 से भी अधिक की आबादी इस इलाके में बसेगी। यानी कि अब लोगों के पास रिहाइश के लिए गाजियाबाद में वैशाली, इंद्रपुरम, वसुंधरा और क्रॉसिंग रिपब्लिक एक अच्छा ऑप्शन है। सबसे खास बात तो ये है कि इस इलाके में जितने भी बिल्डर्स ने फ्लैट्स बनाए हैं वो काफी खुले और हवादार हैं। इस बारे में हम स्थानीय निवासियों की राय जानने की कोशिश करते हैं। प्राइम लोकेशन है, यहाँ मार्केट पास है, यहाँ पे बाकी जो है कनेक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम है पर उस पर काम काफी अच्छे से हो रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है पुलिया का और सड़कों को मरम्मत किया जा रहा है।
इस इलाके को रियल स्टेट के 7 बड़े नामी गिरामी बिल्डर्स ने मिलकर बसाया है। फिलहाल इस इलाके में एक फ्लैट की कीमत 3,000 रूपए प्रति वर्ग फुट से लेकर 3,800 रूपए प्रति वर्ग फुट के बीच में है। यानी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बजाय यहां फ्लैट्स खरीदना अब भी आपके बजट के बाहर नहीं है। और तो और, नेशनल हाईवे 24 के साथ सटा ये इलाका क्षेत्रफल के लिहाज से 360 एकड़ में फैला हुआ है। NH24 पर नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 62 और 63 के चौराहे पर जो मेट्रो लाइन आने वाली है, वहां से क्रॉसिंग रिपब्लिक की दूरी 7 से 8 किलोमीटर रह जाएगी। यानी कि आने वाले समय में मेट्रो की कनेक्टिविटी होने के बाद ट्रांसपोर्ट की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। यहां बसे लोगों ने एक एसोसिएशन भी बना ली है जिसका नाम है क्रोमा। क्रॉसिंग रिपब्लिक की किसी भी समस्या को लेकर ये एसोसिएशन मिलकर काम करती है। मैं यहाँ फोर्थ, मेरे ख्याल में इस बिल्डिंग इस टावर के अंदर फोर्थ फैमिली थी मेरी जो हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। उसके बाद जब हम आए थे तब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। अब रही बात सुरक्षा और स्वास्थ्य की, तो यहाँ जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। दावा किया गया कि पुलिस रात भर पेट्रोलिंग करती है। पुलिस थाना और फायर स्टेशन अभी बनना बाकी है। और अगर डॉक्टरी चिकित्सा की बात की जाए तो छोटे मोटे क्लिनिक यहाँ है, लेकिन बड़ा अस्पताल बनना अभी बाकी है। यहाँ मार्केट भी है और 3 बैंक ब्रांच भी। एक स्कूल की कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। शॉपिंग मॉल के लिए जगह खाली है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रहने के लिए ये इलाका हर तरह से बढ़िया है। मनु लखोत्रा के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाका। यहां अगर आकर आप अपने सपनों का फ्लैट खरीदते हैं तो आपको क्या नुकसान होगा और आपको क्या फायदा होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ यहां पर पंचशील ग्रुप के अनुज चौधरी डायरेक्टर मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे बिजनेस एडिटर रॉय तपन भारती जी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी स्वागत इस चर्चा में, इस डिबेट में। सबसे पहले अनुज चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आप हमें ये बताएं कि जो नया इलाका भी हमने देखा है क्रॉस रिपब्लिक नाम से, और इस रिपोर्ट में भी अभी आपने देखा होगा, यहां पर ऐसा क्या खास है कि पब्लिक यहां पर आकर अपने सपनों का फ्लैट यहां पर खरीदे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से प्लान करके बसाया गया है, और इसके अंदर एक कॉमन मैन की, एक आदमी की, एक रहने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होती हैं उनका खास तौर से ध्यान रखा गया है जी। कि जैसे कि आप जब भी देखते हैं कि कोई सोसाइटियां बनती हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो बेसिक नीड की ज़रूरत होती हैं और वो आसपास नहीं होती हैं। तो इसको हमने पूरा इस तरीके से ध्यान में रखे कि जो भी यहाँ पे आए उसको ये सारी सुविधाएं बहुत ही नॉमिनल और वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल हों। और दूसरी जो सबसे ज्यादा लिखी गई है कि बिल्डिंग को प्लान करते हुए कि हर एक फ्लैट के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन, सनलाइट और दूसरी सुविधाओं का, खेलने के पार्क वगैरह, उनका खास ध्यान रखा गया है इसके अंदर जी। बिल्कुल अनुज जी, जब भी कोई भी कस्टमर घर खरीदना चाहेगा, माइंड में उसके सबसे पहले ये बात आएगी कि कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से है। अगर वो फ्लैट खरीद रहा है, क्या मेट्रो की सुविधाएं पूरी तरीके से उन्हें मिल रही हैं कि नहीं, रोड की सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं कि नहीं, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो माइंड में सबसे पहले स्ट्रक करती हैं। तो क्या हम इसे लेकर भी ये समझें कि कोई भी अगर कस्टमर वहां पर घर खरीदना चाहेगा तो इसे इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं? देखिए, जहां तक मेट्रो का सवाल है वो तो अभी भविष्य में छुपा हुआ है कि वो, क्योंकि प्लानिंग तो कई बार हो चुकी है लेकिन अभी तक उसको धरातल पे नहीं आया है। लेकिन उसके अलावा जो मैं तो उनकी बात करूंगा कि जो सुविधाएं अभी वहां पे ऑलरेडी हैं, देखिए वहां से मुश्किल से आप 0.5 किलोमीटर जाते हैं, 1 किलोमीटर जाते हैं तो आप NH24 पे पहुंच जाते हैं, और वहां से आपको कहीं के भी जाने के लिए, आपको गाजियाबाद जाना है, नोएडा जाना है या किसी दूसरे भी एरिया में जाना है, वहां से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट आपको वहां से मिल जाएगा। और अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जो 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो अगर कनेक्टिव लोकल ट्रेन मिल सकती है। आपको बाहर भी कहीं जाना है, काफी बड़ी बड़ी ट्रेनें, गाजियाबाद स्टेशन एक जंक्शन है, काफी बड़ा स्टेशन है, तो वहां से देश के किसी भी कोने के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो जो अभी एग्जिस्टिंग है वो ही काफी सुविधाएं हैं। और जैसे कि अगर अभी प्लान है कि मेट्रो का वो अगर नोएडा एक्सटेंशन में आती है तो भी इसको क्रॉसिंग को फायदा होगा, और गाजियाबाद की तरफ से आती है तो भी क्रॉसिंग को फायदा होगा। तो कनेक्टिविटी इससे बेहतर किसी और लोकेशन की
कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा इधर जाते हैं तो आप नोएडा एक्सटेंशन होते हुए नोएडा पहुंच जाते हैं, उधर आप गाजियाबाद जाते हैं, S24 होते हुए हापुड़ जाने के लिए आपको आधा घंटा लगता है, मेरठ जाने के लिए आपको वहां से एक घंटा लगता है। तो वेल कनेक्टेड ये चारों तरफ से, सबसे ज्यादा कनेक्टेड दिल्ली, नोएडा, मेरठ, हापुड़ सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। चौधरी जी की बात में मैं थोड़ा सप्लीमेंट्री ऐड कर दूं कि उस इलाके के लिए खुशखबरी है अनीता कि क्रॉसिंग रिपब्लिक से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी होगी, सेक्टर 63 और इंदिरापुरम का जो नेशनल हाईवे का जो पॉइंट है वहां के लिए DMRC एग्री हो गई है, नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि वहां के लिए, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में काम शुरू होना चाहिए। और ये लेंथ बहुत लंबी नहीं है, नोएडा सिटी सेंटर से एक्सटेंशन देना है वहां बॉर्डर तक, और मैं समझता हूं कि ये शायद 5 या 6 किलोमीटर का जो लंबाई बढ़ेगी उससे क्रॉसिंग रिपब्लिक या आसपास के इलाकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि इसके आगे भी कॉलोनियां बस रही हैं। मुझे लगता है कि हापुड़ के बॉर्डर तक बहुत सारी रियल एस्टेट की बहुत सारी इमारतें दिख रही हैं, बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जिस दिन 63 के चौराहे पर जो जो इंदिरापुरम से लगा हुआ है वहां पर मेट्रो की लाइन पहुंच गई, उसके बाद इस इलाके का हम समझते हैं कि बहुत बड़ी मांग पूरी हो जाएगी, काफी निकट आ जाएगा। वैसे डिमांड तो लालकुआं तक मेट्रो ले जाने की है। सुविधाओं की बात हम कर रहे हैं, आइए हम एक नजर डाल लेते हैं। सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित त्यागी ने भी जायजा लिया क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में किस किस तरह की सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं, इसका जायजा लिया नमित त्यागी ने, आइए देखते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं नेशनल हाईवे 24 से सटे गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां पर तमाम बड़े बड़े ग्रुप हैं जो अपने फ्लैट यहां पर तैयार कर चुके हैं। इधर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जनारा ग्रुप के यहां पर फ्लैट बने बने हुए हैं, लंबी लंबी इमारतें हैं। फ्लैटों की जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छी है, जो अंदर फैसिलिटीज दी गई है फ्लैटों के अंदर वो भी काफी अच्छी दिखी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक पंचशील ग्रुप भी यहां पर लगा हुआ है, अपने प्रोजेक्ट यहां पर तैयार करे हुए हैं। इधर भी काफी अच्छे अच्छे ग्रुप हैं जो लगातार अपने फ्लैट बना रहे हैं। अंदर का जो इन्वायरमेंट है इनका वो काफी अच्छे देखने लायक है, लेकिन अभी भी यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जिनसे यहाँ जो यहाँ पर अभी तक पूरे नहीं हो पाए। स्कूल की बात करूँ तो यहाँ पर पूरे इलाके में अभी तक एक भी स्कूल नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं जो है कि स्टूडेंट है उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। हालांकि रोडों की अगर बात करूँ तो रोड काफी चौड़ी चौड़ी है, अगर पार्किंग की सुविधा की बात करूँ तो पार्किंग की सुविधाएं भी काफी अच्छी है, लेकिन अभी भी जो समस्याएं हैं, जो कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ से बाहर की अगर बात करूँ तो रोड के लिए ऑटो जरूर चलते हैं, नोएडा सिटी सेंटर के लिए, गाजियाबाद के लिए ऑटो की जो व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन अगर रात में अगर बात करें तो 10 बजे के बाद जो ऑटो की समस्याएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। आसपास अस्पताल भी बड़ा नहीं है, तो काफ़ी समस्याएं भी हैं इस इलाके में। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चों के प्लेग्राउंड के लिए है यहाँ पर पार्क की फैसिलिटीज दी गई है, कई प्रोजेक्ट वाले अपने फ्लैटों के साथ साथ जो निवेश करता है जो फ्लैटों को खरीदते हैं लोग उनके लिए जिम की भी व्यवस्था की गई है, स्विमिंग पूल तक की व्यवस्था की गई। तमाम जो इस पूरा इलाके की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा विकल्प है लोगों के लिए, अच्छे फ्लैट बने हुए हैं। आबादी अभी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से यहाँ पर फ्लैट बन रहे हैं लगता है कि यहाँ पर आबादी बढ़ेगी। इधर आपको दिखाना चाहूँगा जो स्कूल की वैन है वो आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभी स्कूल नहीं है, बाहर से वैन आई है, बाहर जाना पड़ता है जो बच्चे हैं स्कूल में अपने पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है उनके, तो तमाम यहाँ पर समस्याएँ भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस इलाके की जो खासियत है वो सबसे बड़ी देखी गई कि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से क्रॉसिंग रिपब्लिक का ये जो एरिया है वो कैसे बढ़ेगा और यहाँ की आबादी किस तरीके से बढ़ेगी। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, गाजियाबाद। इस वक्त मैं खड़ा, तो इस रिपोर्ट को आपने देखा, जायजा लिया सुदर्शन न्यूज संवाददाता नमित त्यागी ने। अभी कई कमियां हैं यहां पर क्योंकि नई लोकेशन है, उसके आधार पर अभी पूरी तरह से फैसिलिटीज जो हैं वो इस वक्त नजर नहीं आ रही हैं। हमारे साथ अनुज चौधरी, डायरेक्टर पंचश्री ग्रुप के, मौजूद हैं यहां पर। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे एजुकेशन को लेकर क्या फैसिलिटी वहां पर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या फैसिलिटी वहां पर है? देखिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि जैसे आप भी बोल रही हैं कि ये अभी एक नया बसता हुआ इलाका है, तो इसके अंदर हम लोगों ने स्कूल के प्लॉट्स के लिए प्रोविजन रखे हुए हैं, और उसके अलावा दूसरे उसके अंदर काम भी स्टार्ट हो चुका है कि जो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, और दो अच्छे बड़े नाम के स्कूल वहाँ पे आ रहे हैं। किस क्लास तक की व्यवस्था? देखिए, उसके अंदर जो है ये 12th तक का प्रोविजन है उसके अंदर, मतलब हाई स्कूल की पढ़ाई का वहाँ पे ऑप्शन है, एरिया में हो जाएगा, उसी एरिया के अंदर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कई बार लोग उठाते हैं एजुकेशन नहीं, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे ये तो पॉसिबल नहीं कि सारे ब्रांड्स स्कूल एजुकेशन के हम क्रॉसिंग के अंदर ला सके, या किसी भी जगह पे हम नहीं ला सकते हैं।
तो वो तो लोगों की अपनी चॉइस होती है कि हमें किस बच्चे को। फासले पर विजयनगर और नोएडा में शायद स्कूल है जहाँ बच्चे जाते हैं। गाजियाबाद के काफी सारे स्कूल हैं, गुरुकुल है और एक दो अच्छे और स्कूल हैं वहाँ पे जो जहाँ पे बच्चे उनकी बसें आती हैं। बसें आती है, बसें वहाँ पे सारे जितने भी अच्छे स्कूल हैं, मतलब आप DPS से लेके पाथवे तक बात करेंगे तो सारे स्कूलों की ट्रांसपोर्ट बसें आती हैं और वहाँ से बच्चों को लेके जाती हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए लिहाज से देखा जाए तो आसपास में कोई ऐसा है उनके? देखिए मनोरंजन के लिए अभी तक नहीं है, लेकिन हमारा प्लान है कि बहुत जल्दी वहाँ पे काफी बड़ा शॉपिंग मॉल जो है बनने जा रहा है जिसके अंदर सारी सुविधाएं होंगी मनोरंजन के लिए, लाइक मल्टीप्लेक्स एंड बच्चों के लिए गेमिंग जोन। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया? अभी अंडर प्लानिंग है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या मल्टीप्लेक्स भी आएगा? जी, उसके अंदर मल्टीप्लेक्स भी होगा और दूसरी एंटरटेनमेंट की भी सुविधाएं उसके अंदर। ये कब तक? ये मान के चले अगले 2 या 3 साल के अंदर हम लोग ये सुविधा दे पाएंगे। जैसा अनिता बोल रही थी हॉस्पिटल की, वहाँ एक कमी बताई जा रही है बड़े अस्पताल की। छोटे तो क्लिनिक है, डॉक्टर वहाँ अवेलेबल है, लेकिन बड़ा अस्पताल यदि जरूरत हो तो कहाँ जाएं लोग? देखिए बड़े अस्पताल की जहाँ तक बात है कि फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि कोई भी चीज आपको हर एक अपने घर के पास नहीं मिल सकती, थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ेगा जी। लेकिन ये नहीं कह सकते अगर बिल्कुल नहीं है, अगर कोई भी सुविधा वहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में या 7 किलोमीटर के दायरे में है तो वो सुविधा दूर नहीं मानी जाती है, क्योंकि वहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर पे कोलंबिया एसी हॉस्पिटल है, 6 किलोमीटर पे वहाँ पे ये सर्वोदय हॉस्पिटल है गाजियाबाद। जी जी जी, और इसके अलावा मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यशोदा हॉस्पिटल वहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे अच्छा। अभी भी है वहाँ पे, तो ऐसी कोई ऐसे जितनी प्लानिंग नहीं। इसके अलावा हम लोगों का भी इसके अंदर हम लोगों का 200 बेड के हॉस्पिटल का प्लान है और वो लोग हमने बेच किसी डॉक्टर ने ले भी लिया है अच्छा। और बहुत जल्दी वहाँ पे हॉस्पिटल बन भी जाएगा। तो किसी रियल्टी कंपनी ने हॉस्पिटल को जगह दे दी है? जगह हम लोग क्रॉसिंग ने जगह अवेलेबल कराई है ओके। और वो उसके अंदर कोई भी मेडिकल उसका होगा वो उसके अंदर, मतलब हम मान के चलते हैं कि हॉस्पिटल भी जल्दी आएगा। 200 बेड का हॉस्पिटल इसके अंदर प्लान है। ये खुशखबरी है हमारे दर्शकों के लिए कि जो इस इलाके में रहते हैं और देखते हैं या बसने की सपना देख रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए तसल्ली कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 2.5 साल बस ज्यादा आ जाना चाहिए। अनुज जी, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगी, जब कस्टमर आपके पास फ्लैट लेने के लिए आता है, घर खरीदने के लिए आता है, उस दौरान आप कार्पेट एरिया और कवर्ड एरिया को लेकर माइंड क्लियर तो कर देते हैं, लेकिन जब पोजेशन की बारी आती है उस दौरान कहीं ना कहीं आप वो चीजें भी इंक्लूड कर देते हैं उस वक्त जो चीजें नहीं करनी चाहिए? देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मतलब कि हम लोग कुछ अलग ऐसा कोई अनजस्टिफाई काम नहीं करते हैं। अगर आज की डेट में आप हमारे एग्रीमेंट्स देखें, जो एग्रीमेंट्स हम कस्टमर को देते हैं उसके साथ में उसको क्लियर मेंशन करके देते हैं कि ये आपका सुपर एरिया है, ये आपका कारपेट एरिया है और ये आपका बिल्टअप एरिया है जी। और ऑन पेपर हम ब्लैक एंड व्हाइट में उसको देते हैं, साथ साथ हम उसको आज की डेट में उसके जो फ्लैट का लेआउट प्लान है वो भी इसकी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी उसके साथ हम देते हैं कि आपके बेडरूम के साइज हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं और पोजेशन पे यही आपको हम प्रोवाइड कराएंगे उसके अंदर में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह की बात जो है बिल्कुल गलत है कि हम कोई एक्स्ट्रा एरिया उसके ऊपर लोड करते हैं। वो कई बार क्या होता है कि कुछ एरिया बढ़ जाते हैं, जो एक्चुअल एरिया बढ़ते हैं वही हम उनसे चार्ज करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली में मैं देखता हूं कि कारपेट एरिया या सुपर बिल्टअप एरिया और बंबई के सुपर, दोनों के एरिया में कुछ अंतर है कारपेट एरिया में, कितना परसेंटेज है? लोडिंग कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में। देखिए बेसिकली एक ये बड़ा डिबेट का विषय है, ये बहुत टाइम से कारपेट एरिया और सुपर एरिया की बात आई है, जस्टिफिकेशन उसके अंदर मांग रहे हैं। बेसिकली ये एरिया वो होते हैं कि जो एरियाज हम कॉमन एरियाज होते हैं, जैसे आप देखिए सीढ़ियां हो गई, लिफ्ट हो गई, फायर एस्केप एरिया हो गए, ओवरहेड टैंक्स हो गए, इसके अलावा बेसमेंट के जो कॉमन कॉरिडोर्स हैं, जो रास्ते की कॉमन फील्ड का मैदान भी इसमें गिनते नहीं, खेल का मैदान इसके अंदर नहीं गिनते हैं, जो बिल्टअप एरिया जो हम बनाते हैं वही हम इसके अंदर काउंट करते हैं। उसका कितना लोडिंग होना चाहिए? देखिए ये आज अब तो हम लोग एक्चुअल पे जाने लगे हैं बिल्कुल, कि जो एक्चुअल एरिया हम बना रहे हैं वही प्रोपोर्शनेट शेयर में लोड करने लगे हैं, उसके अंदर जो एक्चुअल आता है वही, क्योंकि अब लोग हम लोग उसकी साथ साथ कैलकुलेशन भी देना शुरू कर दिया है। एक साधारण भाषा में बताइए कि कोई 1000 वर्ग फुट का फ्लैट खरीद रहा है तो उसका लोडिंग कितना माइनस हो के कितना उसको बिल्टअप कारपेट एरिया कितना मिलेगा? कारपेट एरिया देखिए यहाँ भी एक डिबेट 1000 में एक आ जाती है कि कारपेट एरिया आप किसको बोलेंगे। कई बार कुछ लोग बालकनी का एरिया भी उसके अंदर जोड़ देते नहीं, अंदर दीवार के अंदर वॉल भी इसके अंदर से निकाल दीजिए तो ये मान के चलिए 40% तक वो रिड्यूस कर ले तो उसको कारपेट एरिया
मिल जाएगा। तो भाई 1000 का खरीद रहा है सुपर बिल्डर, तो उसे 600 एक्चुअल मिलता है, तो 600 के सरहद के अंदर उसे रहना होगा। जी बिल्कुल जी। तपन जी, मैं एक सवाल अनुज जी से यहाँ पे करना चाहूंगी। जिन एरियाज की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या इन एरियाज को लेकर सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आपको जारी नहीं की जाती, जिनके अंडर रहकर आपको कंट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उन एरियाज को, और उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग की जो कस्टमर है वो आपसे डिमांड करे इस चीज के? देखिए, इसकी कोई गाइडलाइन इसलिए नहीं बनाई जा सकती है कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हमको कॉमन एरिया बनाने की है, वहां पे कितने पैसेज हमको कितने छोड़े छोड़ने हैं, कितने कहां पे छोड़ने, वो बिल्डिंग की हाइट पे, बिल्डिंग के प्लान पे, उस पर डिपेंड करता है। कई बार वो ज्यादा छोड़े होते हैं, कई बार वो कम छोड़े होते हैं, तो इसको जस्टिफाई करना या इसको रोकना या गाइडलाइन जारी करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। तपन जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सिर्फ कस्टमर्स के सामने ही मुश्किलें नहीं है, यहाँ पर हम रियल एस्टेट के सामने भी कई मुश्किलें देख सकते हैं। पिछले 2 सालों की अगर हम बात करें तो फंडिंग ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट्स जो हैं रियल एस्टेट के, वो उनमें कहीं ना कहीं जो तेजी आनी चाहिए वो तेजी नहीं दिखाई दे रही। बात सही कह रही है कि जो फंडिंग का है, लिक्विडिटी की जो जरूरत है, लिक्विडिटी दो तरीके से आती है, एक तो विदेश से धन आता है और एक देश में आता है। देश में भी बहुत सारे निवेशक हैं, NRI भी है, लेकिन एक जिस तरह की चिंता थी कि फंडिंग नहीं होती है, हमारे पास एक लेटेस्ट आंकड़ा आया है और बड़ा ऑथेंटिक आंकड़ा है कि NRI ने साल 2013 में रियल एस्टेट्स में $2 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, और वर्ष 2012 के मुकाबले खरीदारों ने 35% ज्यादा निवेश किया। ये NRI की बात कर रहा हूं। तो जो NRI के बारे में कहा जा रहा था, वो डर रहे हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि NRI खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मार्केट में अच्छा सेंटिमेंट दिख रहा है, उन्हें लग रहा है कि रियल एस्टेट बदल रहा है, तो उन्होंने खरीदारी रोकी नहीं बल्कि बढ़ा दी। 35% ज्यादा की रिपोर्ट आई है जी। अनुज जी, तो किस तरह की मुश्किल का सामना आपको करना पड़ता है जब इस तरह की फंडिंग आपके पास नहीं हो पाती है? देखिए, फंडिंग का जहां तक सवाल है, फंडिंग के साथ साथ, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है चीज होती है फंडिंग। अगर फंडिंग टाइम पे नहीं है, फंडिंग दो तरीके होते हैं बस अर्न करने के लिए, या तो हम अपना माल बेच के कस्टमर से करें, या अगर माल नहीं बिकता है तो फिर हम बैंकों से करें। तो जैसे कि आप देखते हैं कि रियल एस्टेट को बैंक एक निगेटिव प्रोफाइल में रखते हैं, और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स और जो प्रोसीजर है उनका, वो काफी लंबा होता है, और साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आज को इंडस्ट्री लेने जाती है तो उसको काफी कम रेट में लोन दिया जाता है, और हम जाते हैं तो हमको काफी हायर परसेंटेज पे लिया जाता है, जिससे कि हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है, और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी उसकी वजह से बढ़ती है, जिसका सीधा सीधा जो नुकसान है वो हमारे बायर को होता है जाके। जी, पोजीशन में क्यों आपकी तरफ से देरी मोस्टली देखा जाता है कि होती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है उन्हें कई बार 1 साल से अधिक उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उनको नहीं देना चाहिए वो उन्हें देना पड़ता है, तो नुकसान कस्टमर को भी इससे होता है? जी देखिए, उसमें इसके कई कारण होते हैं, वो अलग अलग जगह समय पे अलग अलग कारण होते हैं। कई बार मटेरियल की प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, कई बार मटेरियल नहीं मिल पाता है, जो कि बियॉन्ड आवर कंट्रोल होता है, क्योंकि हम मटेरियल को नहीं अरेंज कर सकते। कई बार फंड का भी प्रॉब्लम होता है हम लोगों के साथ में, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, लेकिन हम आज काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारे कभी मकसद नहीं होता कि हम प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से डिले करें, क्योंकि हम लोगों को जितना प्रोजेक्ट डिले करते हैं उसकी कॉस्टिंग हमको बढ़ती जाती है। तो हमारा भी टारगेट होता है कि हम विद इन टाइम, बिफोर टाइम उसको कंप्लीट करें, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां हैं हमारे सामने जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं इसके अंदर। जी तपन जी, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि खनन माफिया के खिलाफ नोएडा में और गाजियाबाद में बहुत बड़े मुहिम चलाई गई। ये यमुना और हिंडन नदी से ये रेत निकालते थे, तो हम लोगों ने देखा कि इसकी वजह से रियल सेक्टर को बहुत दिक्कत हुई है। देखिए, जहां तक खनन माफिया की बात है कि पहले तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया माफिया, क्योंकि अपनी तरफ से करते हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट इसका एक लाइसेंस देती है खनन करने के लिए, और उससे काफ़ी सारी चीज़ों के बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे यमुना सैंड हम बोल सकते हैं, गग्गर सैंड बोल सकते हैं, पहले रोडी भी होती है। तो क्या है कि आज की डेट में वो खनन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बंद कर दिया उसको, जिसकी वजह से इनकी कॉस्टिंग जो है 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके बाद भी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम है कि हम लोगों को महंगा भी कई बार नहीं मिलता है, और क्वालिटी भी ठीक नहीं मिलती है उसकी, क्योंकि कमी है। तो हम लोगों को आपका जो संगठन है बिल्डरों का, क्रेडाई जी, और दूसरा सरकार का पक्ष है, क्रेडाई और सरकार क्या कर रही है, ये जो संकट आ गया है
की अवेलेबिलिटी में कमी है, रेट महंगा हो गया है सैंड का, बगैर रेत का तो इमारतें खड़ी होंगी नहीं। जी देखिए, क्रेडाई अपने लेवल पे इस मुद्दे को कई बारी गवर्नमेंट के सामने उठा रहे हैं, लेकिन हर बार एक ही जगह के देखते हैं करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को लेके वो ज्यादा सोच रहे हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे कॉस्ट बढ़ रही है बढ़ जाए, एनवायरनमेंट को लेके ज्यादा उनको चिंता है, उनको ना बायर की लोगों की चिंता है, ना बिल्डर की, ना डेवलपमेंट की चिंता है उन लोगों को। बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद यही है कि हम आपको बेहतर तरीके से बता सके कि जहां आप घर खरीदने जा रहे हैं, अपने सपनों का घर खरीदने जा रहे हैं, वो आपके लिए कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है, क्या फायदा आपको होने वाला है और क्या नुकसान, ये हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखते होंगे, सुनते होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और हमें बताने के लिए कि वहां पर क्या सुविधाएं इस वक्त लोगों के लिए मौजूद हैं और क्या क्या सुविधाएं इस वक्त वहां पर लोगों के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आज के एपिसोड में हम जायजा लेंगे गाजियाबाद शहर के क्रॉसिंग रिपब्लिक का। यहाँ पानी, बिजली और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कैसी सुविधाएं हैं, एजुकेशन और सुरक्षा के लिहाज से कितना बेहतर है ये इलाका, इन सभी सवालों का जवाब देंगे सिर्फ हम आपको।